स्वागत है आपका एक बार फिर एग्जाम सागर पर। दोस्तों, यूपी पैड वाले दोस्त मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि उन्हीं क्लासेस आपको लगातार नहीं दे पा रहा हूँ। उसका कारण है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन मैं आप कल से कोशिश करूँगा कि आपको प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको कम से कम 2 क्लास एक दिन में अवश्य मिल जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ा रहा हूँ आपको औसत। देखो दोस्तों, ये क्या होता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये शब्द बोलते हैं ना, तो आप लोग उसका पता है बहुत सपोर्ट करते हो और उसको क्लास को भी शेयर करते हो, लाइक सब्सक्राइब तो करते ही करते हो, लेकिन हमारे ऊपर आप मेहरबानी नहीं दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, आप चाहें तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। औसत की आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ, इसके बाद देख लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया होगा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हैशटैग में यहाँ पर दिया गया होगा कि उसमें कहा गया होगा आपसे कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। बात किसकी हो रही है, सतत की। सतत यहाँ पर दिया, उसमें कितना है औसत, 5 है ना, 5 संख्याओं का सतत एवरेज कितना है, 95। जब 95 है और कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम है ना। ये क्या है, ये तो हमारा एवरेज है। एवरेज मतलब औसत, औसत दिया गया है। औसत का होता है बीच की संख्या होती है औसत, ठीक है ना। और विषम है तो यदि हम इसमें दो अगली विषम की क्या होगी, 97, इसकी अगली संख्या क्या होगी, 99। पीछे की ओर जाएंगे तो कितना होगा, 93, और पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 91, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, 5 विषम संख्या मिल गई ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी, ये तो हो गया हमारा आरोही क्रम। जब अवरोही क्रम करेंगे तो इस तरफ से चलेंगे, कौन संख्या पूछी है, 5 चौथी, तो 1 2 3 4, तो हमारी चौथी संख्या कितनी होगी, 93। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है 10 संख्याओं का औसत 6 है। कितना है, 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाता है तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। दोस्तों, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आपको पैन उठाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा है कि 6 जो संख्याओं का औसत कितना है, सीधी बात, औसत पर नज़र डालते हैं, औसत कितना है, 6, कितना है ना। उसने कहा 10 संख्याओं का औसत 6 है ना, कितना, 6। उन्होंने क्या किया, प्रत्येक संख्या में कितना, क्या 12 से गुणा करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करना है। बात प्रत्येक की हो रही है, मैंने यही उस दिन आपको नोटिस करके बार बार बताया था। तो सीधे औसत में बरचम 72, सीधे एवरेज में हम क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो पूछा औसत क्या होगा, तो हमारा औसत हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे कहा गया है कि यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है। 5 क्रमिक, समझ रहे हो ना, मतलब क्रमागत, क्रमिक संख्याएं। इन संख्याओं का क्या एवरेज कितना है, पांच क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है आपका, 33, 33 है। और क्रमिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 5 क्रमिक मतलब क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है ना, हमसे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पूछी गई। अरे यार, क्रमागत का एवरेज अब 33 दे दिया, तो 33 होगी, इसके बाद क्या होगी, 34 होगी और 35 होगी। इस साइड यदि हम जाएंगे तो कितनी होगी, 32 होगी और 31 होगी, 2 3 4 5 होगी, नहीं होगी। हमसे पूछा गया क्या, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई, क्या पूछी गई, हाँ वही पूछी गई, तो ये होगी 35। इसमें हमको लगाना ही क्या है, इतना सिंपली क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका भी ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए। देखो, 5 जो संख्याएं हैं इनका एवरेज कितना है, 10 है, ठीक है दोस्त। वो कह रहे हैं ऐसी कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि हमारा एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 12। ऐसे क्वेश्चन को लगाने का सिंपल तरीका ये है, देखो 5 संख्याओं का एवरेज क्या है, 10 है। हम मान लेते हैं, माना हमने x जोड़ दिया, माना x जोड़ा, ठीक है, x क्या जोड़ा, x संख्या जोड़ दी, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का तो औसत हमारा 10 है, ठीक है। तो ये तो टोटल हो जाएगा 10 × 50। अब उसने कहा है कि x जोड़ दिया जाए, ये तो हो गया क्या, 5 संख्याओं का औसत यदि 10 है तो टोटल 50 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया उन्होंने, एक संख्या और जोड़ दी,
जो उन्होंने कहा था कौन सी संख्या जोड़ दिया, हमने वो संख्या जोड़ दी, अब ये किसके बराबर हो जाएगी, अब औसत क्या हो जाएगा हमारा 12, कितना हो जाएगा औसत हो जाएगा हमारा 12, और संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 5 थी हमने एक जोड़ दी, संख्या हो जाएंगी 6, 50 एक्स परसम 72, एक्स बराबर 72 माइनस 50 एक्स बराबर 22। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका एक्स बराबर 22, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, औसत है 45, देखो 5 के परिणामों का औसत कितना है 46 है ना, चलिए 46 है, कितने का है 5 का, तो गुणा कर लेते हैं, 5 का 30 की 0 3, 5 को 20 और 3 23, ये हो गया 5 परिणाम का औसत है 46, एवं पहले 4 परिणामों का औसत कितना है 45, 45 इसका है पहले 4 का, तो इसका भी गुणा कर लेते हैं, 45 × 9 × 18 = 180। इसके बाद हमसे कहा गया है 45 है तो पांचवा परिणाम है, पांचवा परिणाम पूछा है भैया, 5 का ये जितना है 4 का इतना है, तो पांचवा है तो घटा दीजिए तो निकल आएगा पांचवा, इसके लिए करना ही क्या है, 0 13 में से 8 गया 5, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा 50। अगला देख लेते हैं, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, कितना 80 किलोमीटर। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई जा रहा है वापस आ रहा है, दूरी आपकी बराबर है, डिस्टेंस क्या है आपकी बराबर है, तो इसकी औसत पूछा जाए आपसे, क्या औसत स्पीड यदि आपसे पूछ दिया जाए तो क्या कर देते हैं, 2xy/x, एक्स वाई आपकी जे एक्स हो जाएगा, ये आपका वाई हो जाएगा, 2x 64/80, देख लेते हैं 2 × 64 = 80, ऐड करिए 4 × 8 = 14, काट लीजिए, ये कितना 64, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सीधा फार्मूला लगा दीजिएगा आप, 2xy/x + y, ठीक है ना। जब भी कोई गाड़ी हो, घोड़ा हो, बैलगाड़ी हो, कुछ भी हो, दूरी बराबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कानपुर कोई जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और कानपुर से वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आपसे पूछ दिया जाए कि औसत स्पीड क्या होगी, तो 2 × 50 × 60/50 + 60, मतलब 2xy/x + y। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का औसत 65 है, देखो 13 परिणामों का औसत कितना है 70, तो टोटल कितना हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद इसमें से कहा गया प्रथम 7 का औसत 65 है, तो 7 का औसत कितना है 65, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 57 × 35 = 3 × 45 = 45। इसके बाद हमसे कहा गया कि और अंतिम 7 का औसत 75 है, 75 है अंतिम 7 का, 57 × 35 = 3 × 49 = 3 = 52, ठीक ना। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 5 × 5 = 0, हंस लीजिए 5 × 2 = 7 और 1 = 8, 980 आ गया। अब 980 910 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमसे पूछा क्या था कि सातवां परिणाम क्या होगा, तो सातवां होगा हमारा कितना 70, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, देखो 5 संख्याएं हैं, औसत कितना है 105, 5 × 25 5 × 5 टोटल कितना हो जाएगा 525, और हमसे कहा गया कि उनमें से पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का, देखो पहली संख्या तो पता नहीं है ना, पता है क्या आपको, मान लीजिए पहली संख्या हमने x मान ली, यदि पहली संख्या x हो जाएगी तो उसमें हमसे और क्या कहा है कि पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग, तो अन्य 4 संख्याओं का योग क्या होगा, पहले तो ये देखते हैं,
अन्य चार संख्याओं का योग क्या होगा बताइए ना मुझे। अरे यार जब पांचों का योग ये दिया गया है, एक संख्या इतनी है, तो चार का योग कितना निकल आएगा? ये निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, है ना? अच्छा ठीक है। अब इसने क्या कहा है हमसे, हमने कहा है योग कि योग का 2/5 गुना है, मतलब पहली संख्या इनके योग का 5/2 गुना है, सॉरी 2/5 गुना कहा गया, कितना 2/2। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 कैसे हो जाएगा मल्टीपल 5x, 525 माइनस एक्स मल्टीपल कितना है 2 का मल्टीपल हो जाएगा ये 2x हो जाएगा माइनस दुपंचित अरे 5 × 10 1050 इतना हो जाएगा ना, ये माइनस का 2x यहाँ आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5x और 2x 7x हो जाएंगे 1007 से काटिए 7 × 7 57 0 x बराबर 150। पूछा क्या है हमसे पहली संख्या, हाँ तो पहली संख्या अभी कितनी होगी 150, ऑप्शन नंबर डी आपका। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। देखो ऐसा कहा गया है कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है, पहले औसत कितना था? अब देखो पहले 14 था, अब कितना 11 हो गया। क्या किया उन्होंने, जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया गया जाता है, किसने 35 को क्या किया उसने इसमें से निकाल दिया, मतलब हमें देखो मूल संख्या में कितनी संख्या थी, तो मान लीजिए मूल कितनी टोटल माना टोटल कितनी थी, टोटल संख्या x थी, यदि टोटल संख्या x थी तो टोटल पहले कितना एवरेज कितना था इनका 14, तो 14x हो जाएगा पहले फिर इसमें हमसे कहा गया कि इसमें से हमने क्या किया, इसी में से हमने एक संख्या को निकाल दिया, तो इसमें से हमने एक संख्या को निकाल दिया। निकालने के बाद अब हमारे पास संख्या कितनी हो जाएंगी, एक्स माइनस वन हो जाएंगी ना, पहले संख्याएं इतनी थी तो टोटल ये था, अब संख्या ये हो जाएंगी, इनका एवरेज कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो अब इनका क्या हो जाएगा बराबर कर देंगे इसको। हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ स्पष्ट। 14x माइनस 35 बराबर 11 का मल्टीपल करेंगे 11x माइनस 11 11x आएगा 14 से 11 चला जाएगा 3x इक्वल ये साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस का पहले से दिया तो घटा दीजिए इसको 4 24 24/3 3/8 24 एक्स बराबर 8 आपकी टोटल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया तीन संख्याओं में पहली दूसरी से दोगुनी, देखो पहली दूसरी और तीसरी से तीन गुनी तीसरी ठीक है ना, पहली दूसरी और तीसरी इसको हम अनुपात में ले चलेंगे जब ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए पहली दूसरी और तीसरी, तो याद रखना शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं पीछे से, मतलब तीसरी से करेंगे। यदि हम तीसरे को हम x मान लेंगे ठीक है ना, तो उसने कहा है कि तीन संख्याओं में पहली दूसरी से दोगुनी और तीसरी से तीन गुनी, पहली दूसरी से दोगुनी और तीसरी से तीन गुनी, इसका तीन गुना करिए तीन गुनी होगी, लेकिन ये दूसरी से कितनी है दोगुनी, तो इसका आधा कर दीजिए तो होगी ना दोगुनी। एक बार फिर देख लेते हैं, नहीं समझ में आया बोल, देखो हमने तीसरी को x मान लिया, उन्होंने कहा पहली संख्या दूसरी की दोगुनी और तीसरी की तीन गुनी है ठीक है, तो इसको हमने क्या किया तीन गुना कर दिया ठीक है। फिर उसने कहा दूसरी की दोगुनी, जब ये दोगुनी है तो इसमें आधी कर दो तभी तो दोगुनी होगी, ये दूसरी से आधी कर दी तो देखो दोगुनी होगी ना, अब इसको अनुपात में ले लेंगे तो नीचे है 2 का पूर्ण गुणा कर दीजिए, देखो 2 का इसमें गुणा करेंगे 3 × 6x 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा, अब हमको ये मिल जाएगा अनुपात ठीक है। आपसे क्या आ गया कि संख्याओं का औसत 88 है, संख्याओं का औसत कितना है 88, औसत निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे 6 × 3 = 9 = 2 = 11 एक्स बटे कितनी संख्या 1 2 3 है ना, औसत कितना है 88 11x बराबर 88 मल्टीपल 3 हो जाएगा मल्टीपल है ना गुणा है तो सीधे काट दो 11 88 8 3 24 एक्स बराबर 24। पूछा क्या है पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर,
पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर कितना है इसका? 4x, x बराबर 24, तो 4x बराबर 94, 96। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 567 तक। ये पूछा है ना कि पहली 567 प्राकृतिक, मैंने आपको उसमें भी लिखवाया, जो कॉन्सेप्ट लिखवाया उसमें मैंने बार बार बोला कि प्रथम को मैंने बार बार बोला है, इसमें प्रथम की बात हो रही, तो ये सिंपल लगा है, एक मिनट में लग जाएगा, कई तरीके से लगेगा। और जी पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य समझ रहे हो क्या कहना चाहता है वो, मतलब औसत। देखो एक तो ये क्या हो जाएगा, एक विधि ये हो जाएगी इसकी, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, 567 तक। तो देखो ये पूरी श्रृंखला को यदि हम देखेंगे तो आपको एपी में नहीं लग रही, मतलब समांतर श्रेणी में लग रही ना, क्योंकि 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, सर्वांतर बराबर हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, सब में सर्वांतर 1-1 आएगा, तो उसका तो इसका औसत क्या होता है, समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 होता ना, तो प्रथम क्या है 1, अंतिम क्या है 567/2, 568/2, 2 से काटिए, 2 × 4 = 16, 2 × 4 = 8। ये हो जाएगा आपका आंसर, या तो आप ऐसे लगा लो, या फिर n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, मैंने बताया था आपको नहीं पता, या फिर या तो ऐसे लगा लो, या फिर ऐसे लगा लो, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n n+1/2, ये होता है योग, होता ना, प्रथम n, जब इनका औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसका औसत निकालेंगे तो हमें पता है औसत में क्या करना पड़ता है औसत में होता है कुल योग बटे उनकी संख्या, होता कि नहीं होता, तो देखो संख्या n है, कुल योग आपका यही है, क्या है n, n+1/2, तो ये n से ये n कट जाएगा, औसत क्या मिला n+1/2, n कितना है 567+1/2, वही हो गया कितना 568/2, ऑप्शन कितना हो जाएगा वही 284। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हैं, ये फर्स्ट तरीका हो गया और ये हमारा सेकंड तरीका हो गया। 111 से 245 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य, 111 से 245 की सभी विषम संख्याओं का माध्य कहा गया है ना, क्या कहा गया, माध्य विषम संख्या है, क्या है विषम है ना, चलो 111 के बाद क्या हो जाएगी 13 115 117, कहाँ तक, 245 तक। ये भी आपका किस में है, एपी में है, क्योंकि 113 से 11 दो अंतर है ना, तो ये क्या है समांतर श्रेणी में है, इसका क्या निकालते हैं औसत, औसत मतलब माध्य, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, 3, 5, 6/2, 2 × 2 = 14, 2 × 16, 178 आप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे भी हुआ मैंने आपको औसत के क्वेश्चन करा दिए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लेना, जो आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी क्वेश्चन से आपको इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है ना, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।